हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। टुडे वी विल लर्न ए न्यू स्टोरी। लास्ट टाइम वी डिड द थर्स्टी क्रो, टुडे वी विल लर्न द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। सो लेट्स बिगिन। एक समय एक सियार बहुत भूखा था। भूखा यानी कि हंग्री। वंस अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। पिछली बार हमने कौवे की कहानी कही थी, प्यासा था, वहां पे थर्स्टी लिखा था, यहाँ पे हंग्री है। वंस ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक समय एक सियार बहुत भूखा था। वह यहाँ वहां खाना ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर। सर्चिंग यानी कि तलाशना, ढूंढना। लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिला। बट ही कुड नॉट फाइंड फूड। फूड जो है कैन का पास्ट इक्विवेलेंट है। फाइंड यानी कि पाना, ढूंढना। अंत में वो एक अंगूर के बगीचे में आया। एट लास्ट ही केम टू ए वाइनयार्ड। वाइनयार्ड यानी कि अंगूर का बगीचा। उसने वहां पर अंगूर लटकते हुए देखे। ही सॉ बंचिस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। बंचिस यानी कि गुच्छे, हैंगिंग यानी कि लटकना। अंगूर के गुच्छे लटकते हुए देखे। उसके मुंह में पानी आ गया। अब पानी आने के लिए क्या कहेंगे। हिज माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग। उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसने क्या किया, वो एक गुच्छे के नीचे गया। ही वेंट अंडर अ बंच। वो एक गुच्छे के नीचे गया। और उसने छलांग लगाई। एंड ही जंप्ड टू गेट द ग्रेप्स। अंगूर पाने के लिए उसने छलांग लगाई। लेकिन वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाया। बट ही फेल्ड यानी कि असफल रहा। उसने फिर कोशिश की। उसने फिर कोशिश की। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाया। रीच आने की पहुंचना। अंत में उसने कहा, अंगूर खटे हैं। अंत में यानी कि एट लास्ट। एट लास्ट ही सेड द ग्रेप्स आर सार। सार या सार जो भी बोलना हो, यानी कि खट्टे। अंत में उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ईट देम। मुझे नहीं खाने। और वो वहां से चला गया। एंड वेंट अवे। और वो चला गया। सो फ्रेंड्स, How did you find my video? The story is old, but the presentation is new. आप भी अपने दोस्तों को ये स्टोरी सुनाकर इम्प्रेस कर सकते हो। Once a fox was very hungry. He was searching for food here and there. But he could not find food. At last, he came to a vineyard. He saw bunches of grapes
hanging from the vine. His mouth started watering. He went under one bunch and jumped to get the grapes. But he failed. He tried again and again, but he could not reach the grapes. At last he said, "The grapes are sour. I don't want to eat them," and went away. Friends, if you like the story, subscribe to my channel. Give a like to it and wait for my next video. Thank you for watching. Bye.